अब हर रोज सुबह की चाय के साथ। देखिए सुनिए मेरे साथ, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य, आपके लिए लाया हूं दुनिया का खबरनामा। नमस्कार दोस्तों, आज है 21 जून और आज पूरे विश्व भर में मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और इस अवसर पर सूर्य नमस्कार की तस्वीर से सजी संयुक्त राष्ट्र की इमारत। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पर सूर्य नमस्कार योगासन मुद्रा वाली तस्वीर को प्रदर्शित किया गया। भारत के स्थायी मिशन ने 5वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उत्सव मनाना शुरू कर दिया है। बुधवार की शाम को योग से जुड़े पोस्टर संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय की इमारत के उत्तरी प्रवेश द्वार पर लगाए गए थे। यहाँ इस दौरान एक विशेष कार्यक्रम भी आयोजित हुआ, जिसमें संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत सैयद अकबरुद्दीन समेत कई अन्य अधिकारियों ने हिस्सा लिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 दिसंबर 2014 को हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा की थी। कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी, ईरान ने कर दी बहुत बड़ी गलती। अमेरिका ने अपने शक्तिशाली ड्रोन को गिराए जाने को लेकर ईरान को खुली चेतावनी दे दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तेहरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आपको बता दें कि सामरिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मुज जलडमरू मध्य के करीब ईरान ने अमेरिका के एक जासूसी ड्रोन को मार गिराया है। इसके बाद से दोनों देशों में तनाव बढ़ गया है। उधर ईरान आर्मी के चीफ ने ऐलान कर दिया है कि उनकी सेना जंग के लिए तैयार है। गुरुवार को ट्रंप ने कहा ईरान ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। ट्रंप की चेतावनी और सख्त लहजे से समझा जा रहा है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन ले सकता है। गौरतलब है कि आर्थिक प्रतिबंध और हाल में तेल टैंकरों पर हमले के बाद से गल्फ क्षेत्र में तनाव पहले से है। ऐसे में तेहरान की इस आक्रामक कार्रवाई ने अमेरिका को नाराज कर दिया है। इससे पहले ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कहा था कि सेना ने देश के हवाई क्षेत्र में घुसे अमेरिका के एक सर्विलांस ड्रोन को मार गिराया है। हालांकि पेंटागन ने कहा है कि यह घटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में घटी है। पहली बार ईरान ने अमेरिका के MQ-4C ट्राइटन ड्रोन को गिराकर सीधे तौर पर उसे चुनौती दी है। इसके साथ ही अमेरिका के लिए यह शर्मिंदगी और प्रतिष्ठा का सवाल है कि जिस ड्रोन को वह अपने सबसे मॉडर्न और शक्तिशाली मानता है उसे तेहरान ने गिरा दिया। अमेरिका 2032 तक अपने बेड़े में ऐसे 68 ड्रोन शामिल करना चाहता है। अमेरिका के ड्रोन को गिराने में रूस का कनेक्शन भी सामने आया है। दरअसल अमेरिका के MQ-4C ट्राइटन ड्रोन को किसी आम मिसाइल से नहीं गिराया जा सकता है, इसके लिए दमदार रेडार गाइडेड मिसाइल होना जरूरी है। गौर करने वाली बात यह है कि ईरान के पास रूस से मिला S-300 सिस्टम है जो ऐसे ड्रोन को टारगेट कर सकता है। इस कारण अमेरिका ज़्यादा भड़का हुआ है। बताया जा रहा है कि अमेरिका के ट्राइटन ड्रोन को पहली बार किसी देश ने गिराया है। अमेरिका ईरान के बीच युद्ध से तेल की कीमतों में लग सकती है आग। अमेरिका और ईरान के बीच पहले से तनाव के बीच तेहरान द्वारा अमेरिकी सेना का एक ड्रोन मार गिराने की घटना के बाद दोनों देशों के बीच युद्ध की आशंका प्रबल हो गई है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ड्रोन गिराने की खबर आने के तुरंत बाद कच्चे तेल की कीमत 3% से अधिक उछलकर प्रति बैरल $65 पर पहुंच गई। बड़ी बात यह है कि फिलहाल यह तनाव घटने की संभावना नहीं दिख रही है, जिसके परिणाम स्वरूप कच्चे तेल की कीमत में आग लगना तय माना जा रहा है।